still drive me crazy. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत रात को मैं व्लॉग क्यों शुरू कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं नया व्लॉग शुरू नहीं कर रही हूँ। मैं एक्चुअली मेरे आउटफिट वाले व्लॉग को एडिट कर रही हूँ, और मैंने उसमें देखा कि मेरे पास बहुत सारी फुटेज है जो मैंने आउटफिट के बिना भी उन दिनों में बनाई थी, दो दिनों में। सो वो मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप इन्जॉय करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के व्लॉग के साथ। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें, और शुरुआत करें हैं आज के व्लॉग। हेलो दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपके? आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आई डोंट नो, नो प्लान्स। Mimi is doing something crazy. He is eating 100,000 pops. Guys, आज मैं क्या ही हस्बैंडों के डिनर बना लो मेरे लिए भी, और अपने लिए इको पैटी थॉ ओनली रख देती है। एडे मीन है। ओ यार मीट वाली का। Beyond meat, veggie. दादे बंदे आए कि दसा, ये एक्चुअली वेजिटेरियन है, पर बिल्कुल टेस्ट इसका चीज़ बर्गर जैसा है, पर चीज़ मीट जैसा है, बीफ जैसा टेस्ट है, पर बिल्कुल वेजिटेरियन है, 100% वेजिटेरियन, और इसलिए मैं इसको खा नहीं पाती। सो या अगर आप मीट नहीं खाने वाले बंदे हो और खाना का ट्राई करना चाहते हैं कि पर फिर भी मीट नहीं खाना चाहते पर टेस्ट देखना चाहते, तो ज़रूर से ये ट्राई कर सकते हैं आप। और देख लो मेरे पति ने एक को किया है और कह रहे कि मैं अपने लिए बना लगा डिनर। मैं भी सब्जी सिर्फ एक बंदे लिए बनाएगा नहीं, रोटी भी एक बंदे लिए। प्यार ये जा तू सेपरेट ही होगी, अपनी अपनी रसोई अलग कर ली। हिम्मत मेकिंग समथिंग गाइस। What you doing, Himas? I'm making us a potion. केड़ा potion? Actually मैंने ना नींबू पानी बनाया था, तो इन्हें उधर सारे ingredients लाके आप ही कुछ कर लिया। मिमी तो इतने नहीं कर सकता। You have to stand here. जा अपना टेबल ले आ, इस एरिए से कुक करिए। ओके दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक मीनेस्ट पति के साथ जो है वहाँ पे। आज मैं सारा दिन बहुत व्यस्त थी। मैंने मेरे पति को कहा कि डिनर का इंतज़ाम आप कर लीजिए। जब मैं नीचे आई और मैंने मेरी किचन की शेल्फ पे देखा कि वहाँ पे Only one एक patty ही पैटी पड़ी थी, and one burger. मैंने कहा कि हस्बैंड व्हाट इज दिस? ही सेड दैट्स माय बर्गर। एंड मैंने कहा कि मेरा बर्गर का? देन ही सेड आई डोंट नो। सो नहीं अद्धा अद्धी किचन नहीं, दोनों दरानी जेठानी की तरह किचन वांड लिया। अद्धा फूड बनेगा, अगर एक बंदा कुक करेगा तो अद्धा कुक करेगा। तो मैं चाय का कप बनाऊंगी तो एक ही बनेगा। सब्जी बनेगी तो मैं अद्धी गोभी बनाऊंगी, गोभी का फूल अद्धा। बैंगन भी बहू एक चख लो, एक ही बनेगा। ये है आजकल के कलयुगी पति। अपना तू ही खा ला। एक्चुअली मैंने बुझाओ। ओके दोस्तों, तो रिवील करते हैं हम लोग। हस्बैंड ने एक इसलिए रखा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे तो ये वेजिटेरियन है, पर मुझे फिर भी तभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं मीट खा रही हूँ, और मुझे उसकी स्मेल ही नहीं अच्छी लगती। और मीट तो भी ज्यादा स्मेल ही है मीट, और या इसकी स्मेल बिल्कुल मीट जैसी है। नहीं माने, आई डोंट लाइक इट। सो या एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगता, तो हस्बैंड ने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि इसका जो खुशबू है वो बिल्कुल मीट जैसी है। आपको फील ही नहीं होगा खाते हुए, टेस्ट, टेक्सचर, फ्लेवर, हर कुछ पता नहीं किदा किता है ना ने। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। सो या इसलिए मैंने नहीं खाया। मैं ऐसे पति को चिढ़ा कि अब हम अंदर जाने वाले हैं खाएंगे। सो अब आपको मिलने वाला है अनदर साइड ऑफ मी, दैट इज अ स्पोर्ट्स पर्सन। मैं खेलने वाली हूँ बैडमिंटन। गाइस हस्बैंड का दिखना जरूरी नहीं है, और मैं कराऊंगी मेरे वाले क्योंकि मैं ही सबसे बेस्ट बेस्ट। सॉरी
वैसे तो हमारी गेम हो चुकी है खत्म, हस्बैंड पानी दे रहे ग्रास को, ग्रास बहुत ज्यादा ड्राई हो गया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा टेम्परेचर। इसके बाद हम फ्रंट वाले ग्रास पे भी पानी देंगे। और यस, बैंगन हमारे रेडी हो रहे हैं और मैंने कुछ भी नहीं खाया है आज, मैं खाना स्किप करूंगी क्योंकि मैंने भूख ही नहीं है। ओ यार वो खा दे, मैं पॉपकॉर्न खाऊंगी। गाइस हस्बैंड ने आज बैंगन गल दे जगह पे कर लिया, इना दी स्किन है ना सड़नी है, पिलपिली हो जानी। उतना हल्ला मारे जा सुनो, उनु बंद कर। सो ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आलू दे परांठे। एक्चुअली ब्रेकफास्ट नहीं है, ये लंच ही है हमारा। एंड मेरे पति का वेट काफ़ी लूज़ हो रहा है तो मैं सोचा कि मक्खन ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा उनकी डाइट में। वो तो इदा लग गया कि सोख ही गया। सो आलू का परांठा विद मक्खन एंड दही, दही में कुछ ऐड नहीं किया है क्योंकि आलू का परांठा ही सारी चीज़ें फेल कर देता है, तो क्या ज़रूरत है। सो मेरे पतले पति को बुलाते हैं, मेरे पतले पति को परांठा खाने के लिए बुलाते हैं। पति, ओ पति, फीड मी डे लग गया, मैं बनावा या फीड करा अपने डैडी ने कहा। ओके ओके कम आई हेल्प यू। का अगर परांठे खाने के बाद भी पति का वेट नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक और चीज़ है, वो मतलब बनाई है मैंने खोए वाली बर्फी। इसके साथ फ़र्क पड़ेगा, अगर परांठों के साथ नहीं पड़ा तो इसके साथ पड़ेगा। देखो गाइस कितनी परफेक्शन लग दिया। मैं क्या, तू ये पतले बड़े हो दिया तो उन्होंने परौंठे खवा दिया, जे परौंठे खाना फ़र्क नहीं पिया तो बर्फी ना पाऊगा। ये थोड़ा वेट इन्हों ना नहीं वध्या तो आ हैगी साढ़े को, ये तीन पीस खवाने तो उन्होंने तीन टाइम नहीं प्यारी है, तीन टाइम खाने वाले हैं। तवे जिदा परौंठा आया, अगर मेरा तवा थोड़ा सा और बड़ा हो तो मेरा परौंठा मैंने लादा होर वड्डा होया। हेलो दोस्तों, तो अभी चल रहे हैं, हम जा रहे हैं आउटफिट की वीडियो बनाने के लिए जो आपने ऑलरेडी देख लिया हो। बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है क्योंकि बहुत गर्मी है और हस्बैंड कह रहे हैं कि इतना हल्का थे यार। मैं कह कि तुम एक जोड़ा बना के देंगे तुम पवाओगे फिर पता चलना, जो तुम सारा ना आया हम मेरे बाल खिल लेते पे। सो दोस्तों जिंदगी इन्नी आसान नहीं है जितनी लगती है। कुछ पिक्चर्स अच्छी आई हैं कुछ नहीं। एक्चुअली क्या है कि ये जो आज ना दिन की जो रोशनी है बहुत अच्छी नहीं है, काइंड ऑफ ग्लूमी दिन है और मेरे सूट येलो दिख नहीं रहा है। वैसे वो येलो है पर वीडियोस में इतना अच्छा येलो दिख नहीं रहा, पर फिर भी हमने काफ़ी पिक्चर्स क्लिक की हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ये पिक्चर्स तो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, उस पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी होंगी। और अब हम घर जा रहे हैं और आज जैसी की खाना वे डिनर चे हम लाइट डिनर करेंगे क्योंकि सवेरे आपने देखा आलू के परौंठे खाए हैं हमने। आज फिर जी गलत खाने तो चंगा ही गलत खाई है। सो या हस्बैंड ने एक एक्स्ट्रा परांठी बना ली थी, उनके पास वो है, मैंने बनाई थी पिद्दी सी पर मैंने वो खा ली, मैंने ज़्यादा भूख लगी सी। ओके सो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मेरे बाल दोबारा से स्वेटी एंड कर्ली होने शुरू हो गए हैं। और या अब हमारा यहाँ से डन है, हम घर जाएंगे। या हिम्मत ने हमारे साथ ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक नहीं की है पर हमने उसको पुश करा के थोड़ी सी क्लिक तो करवाई हैं। पर या फिर ज़्यादा टाइडिंग था पिक्चर्स क्लिक करना, रन करना इधर उधर, क्योंकि जब आप इंडियन आउटफिट पहनते हैं कि आप अपना कपड़े संभालें या चीज़ें संभालें, पर मुझे ही ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ी क्योंकि हस्बैंड को कैमरे का इतना ज़्यादा पता नहीं है, नहीं उनको शौक है। पर या कर लिया है हमने, या दैट्स इट, लेट्स गो नाउ गाइस। गर्मी हाय तो आज बेटर इंडिया की गर्मी होंगी असली बहुत ज़्यादा जूड़ा कर दिया होंगे अं ना आंटियाँ जो अं छोटे होंगे ही दुरुस्ती नहीं हुई सारी झूठा नहीं पढ़ मत नहीं एह कारण सीगा तू जाना डैडी नु स्टोरियां ना सुना बाऊ मेरे वर्गा नहीं है सारे सस्पेंस खत्म कर दे।
गाइस अगर आप फ्रेंड्स देखते हैं तो आपको ये आदमी याद होगा, ये फीबी की शादी में स्ट्रिपर बन के आया था जिससे डांस नहीं हो रहा था। Guys, we are watching Jumanji movie. And I watch, Jumanji is my favorite show and even movie. And you want, and Daddy didn't watch it. You want to see? What do you want? See it. Jumanji is so popular movie, and Daddy have no idea what's Jumanji. Okay, I will see. Say some good words about mommy. Mommy, the greatest girl ever. My mommy is the greatest girl. Mm-hmm. Oh, I'm a girl. Thanks. No, not really. Actually. Say something, cutie. Are you watching Jumanji at your house? Say yes. Yes. Say yes. Yes. Louder. Yes. My husband, guys, he's the cutest on the whole wild world. So, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा। अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करें। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। I love you guys so much. Thank you very much for watching. Bye. Actually, मैं भूल गई। Do not forget, guys, you are beautiful the way you are. Stay happy, confident, and strong. You guys can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action. Easy peasy lemon squeezy. Bye.